तो भाई साहब चल चल के पैर दुख गए हमारे। अभी हमने गुपचुप खाया वहाँ चाचा के पास, चूतिया बनाया चाचा ने, 6-6 पीस की जगह 12-12 पीस की करा दिया जबरन, 120 रुपये ले दिया। 5 रुपये के गुपचुप खाया, पहली बार खाया जिंदगी 5 रुपये का गुपचुप। 120 रुपये में आधे खानदान को गुपचुप खिला दूँ, वो भी घर बना के बढ़िया। अच्छा तो ऐसे टेस्ट बढ़िया रहता है ना, सूजी वाले मोटे मोटे। तो हम लोग बैठे हैं, मेट्रो पकड़ेंगे थोड़ी देर में, थक गए चल चल के, हालत खराब हो गई। अब बस 1.5 घंटे में हमारी ट्रेन है, यहाँ पर पहुँच चुके न्यूयॉर्क अंडरग्राउंड। ऊपर से जा रही है गाड़ियाँ, नीचे जा रहे हैं हम। और देख 1.5 घंटे में ट्रेन है, अभी पहुँचना है हज़रत निज़ामुद्दीन। गुपचुप यार। तो अपनी मेट्रो आ गई है, मंडी हाउस स्लीपर निकल रहे हैं, फिर वहाँ से जाएंगे मयूर विहार फेस वन, फिर वहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन। तो हम लोग अभी पहली मेट्रो से आए हैं, कहाँ मंडी गेट से मंडी गेट आए, मंडी गेट से अभी हमें जाना है मयूर विहार फेस वन। तो हम गलत साइड चले गए थे प्लेटफॉर्म के, हमने मैप देखा, फिर वॉलेट लाइन से आए, फिर अभी ब्लू लाइन के बाद पिंक लाइन पे जाना है, तब आएगा पिंक सिटी, नहीं पहुँचेगा हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचेगा। यार यही चार्ट ऊपर भी लगाना चाहिए ना, कहते नीचे लगा के रखते हैं, बस अच्छी होती तो दोनों आएगी, मंडी हाउस। तो अभी हम लोग में वेट कर रहे हैं, हमारी दूसरी मेट्रो आ चुकी है, क्या लंबी है मेट्रो यहाँ? हाँ मेट्रो लंबी है, दूसरी मेट्रो आ चुकी है, यहाँ से आएंगे अपन मयूर विहार फेस वन, वहाँ उतरेंगे, फिर वहाँ पे पिंक लाइन चेंज करेंगे। तो मेट्रो का एक झंझट है, ऑटो पकड़ो चुपचाप निकल लो, लेकिन सस्ता है। मैं शायद गलती से 20 रुपये लेना भूल गया, मशीन से मैं भगा भगा, चलो दुर्घटना से देर बोली जल्दी चलो। पहुँच जाएंगे टेंशन नहीं, टेंशन मतलब ट्रेन नहीं छूटी, अरे नहीं छूटी, छूट गई तो अभी पकड़ लेंगे। वो देखो जी अक्षत धाम मंदिर पीछे, पीछे पूरा धाम से ये आ गए हम लोग वही मयूर विहार फेस वन, अब यहाँ से जाना है हजरत निज़ामुद्दीन। तो इसके बाद बीच का फुटेज है पूरी तरीके से गायब, क्योंकि हम हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट और हमें पकड़नी थी ट्रेन, तो हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अभी हम लोग हैं झांसी स्टेशन पे, ट्रेन रुकी हुई है, रात के बज चुके हैं 11 और अपन जा रहे हैं वापस रिटर्न। काफ़ी शोर हो रहा है क्योंकि स्टेशन पे हूँ, और ठंड तो बिल्कुल नहीं लग रही यार, इतनी ज़्यादा ठंड से होके आया ना, इतनी ज़्यादा ठंड ऑलरेडी लग चुकी है ना कि क्या ही बताऊँ, वहाँ पे तो यहाँ ठंड लगी नहीं रही। मतलब अपन क्या 3 बजे तक पहुँचेंगे कल, सुबह थोड़ा झेलना पड़ेगा, 12 बजे के बाद थोड़ा झेला हो जाता है, 10-11 बजे पहुँच जाओ सुबह सुबह अच्छा लगता है ना। और कोई ट्रेन टाइम की ट्रेन थी नहीं, किसी टाइम की ट्रेन थी उसी टाइम पे पहुँच गए। तो अभी बिलासपुर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग रायपुर पहुँचने वाले, मस्त आराम से लेट से लेट पर जा रहे हैं हम लोग, देख सकते हो आप, फटे हाल गर्मी मतलब फटे हाल गर्मी, भाई साहब गर्मी से परेशान हो गए हुए, 3 लेयर पहन के निकला था, अभी 1 लेयर में हूँ, और नीचे इनर और लोअर पहना था, इनर उतार दिया केवल लोअर में, रास्ते में ठंडा लगा 3 डिग्री, तभी 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया, -3 डिग्री में था, फिर अभी यहाँ पे शायद 20-25 ऐसे कुछ है, पता नहीं क्या चल रहा है, वो भी आराम से चेंज वेंज करके लोअर ओवर में आ गए, ऐसा लग रहा है दिसंबर से सीधा अप्रैल के महीने में आ गए। तो ट्रेन भी पजड़ रहा है, हम ऑन टाइम है, एकदम टाइम पे पहुंच जाएंगे घर, दुर्गम पहुंच जाएंगे 3 बजे और फिर घर पहुंच जाएंगे उसके 1 घंटे में। भाई का फ्रेंड आ रहा है लेने, अगर नहीं आ पाएगा तो कैब लेके जाएंगे, और सारे ब्लॉग आते रहेंगे टाइम टू टाइम, और भी आगे कुछ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा वो भी चलते रहेगा। तो सोच रहा हूँ थोड़े बहुत घर के भी ब्लॉग बना के डालूंगा, मेरी लास्ट सर्जरी बची है वो हो जाए तो उसके बाद सब चालू एकदम डेली व्लॉगिंग। गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक करो,
मेरे को लगता है कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैं इससे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, फिर भी मेरे को मेरी खुद की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ट्रेन इतना पंजड़ा।